गाइस आप सबको हमीदा किचन में वेलकम करते हैं। तो कल हमने कोफ्ते बनाए थे बड़े मज़ेदार से, जो हैं बिल्कुल आसान से हमने बनाए थे चिकन के कोफ्ते। तो आज हम उसी को बनाने जा रहे हैं, कोफ्ते के साथ हम बना रहे हैं चने, ठीक है, यानी कोफ्ते और चने का सालन बना रहे हैं। तो मैंने जो थे बॉयल कर लिए हैं चने, बड़े अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, ये देखें बड़े सॉफ्ट से चने बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इनको सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप है वो हम कोफ्तों को कर लेंगे फ्राई। ऑयल हो चुका है गरम, अब इसमें हम कोफ्तों को शामिल कर देंगे। ज़्यादा आपने ऊंचाई से नहीं फेंकना, नहीं तो वो छींटे हैं जो आपके ऊपर पड़ते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल करना है फ्राई। वही देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल हमारी हो चुकी है बिल्कुल फ्राई आपने, ठीक है। ये इसलिए इतना इसका शोर है क्योंकि वो चूल्हे में पड़ेगा तो जो है बर्फ जम जाती है। अगर आपको पता जब पानी जाता है ऑयल में तो फिर इनका एक्शन और रिएक्शन तो होता है, इसलिए बड़े ध्यान से कुछ इनके आपके नीचे ना चलते, ठीक है। तो आपने ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारी बिल्कुल फ्राई, तो आप हम इनको निकाल लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमारे सारे मीट बॉल्स जो हो चुके हैं वो फ्राई, ठीक है जी। तो अब हम इनको पकाने लगे हैं, झटपट से पक जाएंगे क्योंकि ये भी बने हुए हैं, चने भी बॉयल हुए हैं। तो हंडिया हमारी जो होगी जो है कोफ्तों की कड़ी और चने जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। तो जो ही फ्राई पैन में ऑयल था उसको मैंने स्टेन करके कढ़ाई में डाल दिया, उसी में हम वो गर्म भी है तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो उसमें हम प्याज कर लेंगे फ्राई, डाल देंगे प्याज। तकरीबन मैंने जो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं तीन, तो प्याज हो चुका है ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, ताकि ये भी अच्छे से हो जाए फ्राई। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, स्पाइसेस चूंकि कोफ्तों में थे इसलिए ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। ये कुछ मैंने जो रेगुलर मसाले हैं मीन्स के घर वाले उनको ऐड किया है, और कुछ मैं डालूंगी जो है जो कोफ्ता मसाला है उसको भी मैं ऐड करूंगी इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं डालूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट, तकरीबन मैंने 250 ग्राम किया। इसमें हम कुछ डाल लेंगे, ये नेशनल वालों को मेरे पास कोफ्ता मसाला है, ठीक है। तो ये सारा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने रेगुलर के घर वाले नमक मिर्च में डाले हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये वाला। और साथ में हरी मिर्च में आपको कहती कि थोड़ी बाद में डाला करें, ये देखें और छोटी इस तरह डाल लें। और बड़ा अच्छा सा जो है हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो ये देखें कितना अच्छा मसाला बिल्कुल ग्राइंड किए हुए तो गैस प्याज तैयार नहीं है, लेकिन कितना अच्छा मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। बस अब इतना हम डालेंगे चने, उसको थोड़ा सा हमने जो भी डाल देंगे उसके, तो हमारी जो है कड़ी वो होती है बिल्कुल तैयार, लेकिन कोफ्ता कड़ी। अब हम इसमें डालेंगे बड़े ही प्यार से हमारे जो बॉयल हो गए हैं चने। तो ये जो है हमारे घर में बड़े पसंद किए जाते हैं कोफ्ता और चने, और मैं चूंकि मसरूफ थी, एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो शुक्र है पेपर हो गए हैं ख़त्म। अभी भी बड़ा बर्डन है पेपर चेक करने हैं, रिजल्ट देना है, लेकिन मैंने कहा आज चूँकि संडे है तो मैं आज इनकी फरमाइश पूरी कर दूँ। अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए कुछ करना, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना। तो चलें जी इसको हम कुछ देर के लिए भून देंगे, फिर इसमें डालेंगे कोफ्ते, और फिर जितनी आपको इसमें शोरबा होगा चाहिए आपने। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी चनों की जो है वो रंगत आई है। तो अब हम मिक्स हम डाल देंगे कोफ्ते, और मैंने आपको देखा चम्मच चेंज कर दिया है।
फिर इसको अच्छे से आप इसमें मिक्स कर देंगे। तो चने और कोफ्ते बड़े अच्छे से जो हो गए हैं फ्राई, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। और पानी वही है, मैंने नॉर्मल वाटर नहीं लिया, ये जो बॉयल जब मैं चने किए थे तो वो पानी जो था वो मैंने ये देखे वही पानी है, क्योंकि उसकी चनों की गजाइत तो उसी में है ना, अगर मैं फेंक देती तो बिल्कुल वेस्ट हो जाना, तो इसलिए मैंने कहा इसमें मैं यूज़ कर देती हूँ। देखें ज़्यादा आपने शोरबा तो शोरबा जो है वो नहीं बनाना, इसी तरह इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और लास्ट स्टेज में हम इसमें धनिया गरम मसाला ऐड कर लेंगे और काली मिर्च, और फिर हमारी सी मज़ेदार सी जो है वो आज की जो रेसिपी है वो बन जाएगी। तो अब हम लास्ट में इसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो गर्म मसाला ऐड कर लेंगे साथ में, आधा चम्मच ही काली मिर्च और धनिया डाल के तो हम इस पे कवर कर देंगे इसको, और चूल्हा जो है वो फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का रख देंगे। तो हमारी जो आज की रेसिपी है मज़ेदार सी जो सिंधी स्पेशल है वो हो चुकी है करीबन तैयार। तो गाइस ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जिस आज संडे स्पेशल रेसिपी है वो है कोफ्ते और चने की जो कढ़ी है वो बिल्कुल हो चुकी है तैयार। देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया है, कोई मैंने इसमें पाउडर नहीं डाला, बिल्कुल जो घर में रेगुलर मिर्च है वही डाली है, वही मसाले बस थोड़ा सा कोफ्ता मसाला ऐड किया। तो आप इससे भी घर में मज़ेदार से कोफ्ते बना सकते हैं, ठीक है जी। आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़े पैसों में भी अच्छे टेस्ट को इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले फिर वही बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और आइकन के साथ, और लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और घंटी के बटन को दबाने का मकसद है कि सबसे पहले मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, खुदा हाफिज़, बाय।